your English teacher Monica Andresh. So, how were your other classes? You must have enjoyed them. So, what we are going to do today? We are going to do conjunctions. Oh wow, what is it? Conjunctions. Very unique name, isn't it? Conjunctions are, what are conjunctions? They are joining words. जो join करते हैं sentences को, ठीक है? अब उनको हम कैसे बोलेंगे? मैं एक आपको बताती हूँ. They are what? They are joining words. Joining words you can say, or you can say they are the helping words. Okay. Conjunctions are the joining words. Conjunctions join words, phrases or sentences. They are also known as connectors or joining words. इनको हम connectors भी बोलते हैं. एक और नाम है इनका, connectors. Okay. So ये क्या करते हैं? जब हम कोई sentence लिखते हैं और उसको हमें एक continuity में लिखना होता है, तो ये क्या करते हैं? उसमें ये शब्द आकर उन्हें एक सेंटेंस बनाकर हमें उन्हें ज्वाइन करने की हेल्प करते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारा जो मोस्टली यूज होता है, वो क्या है? एंड, बिकॉज, है ना? तो ये क्या है? ये हमारे हैं कंजंक्शंस. मैं एग्जांपल्स देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल एंड, बिकॉज, but, as, or, before. ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स आते हैं वो क्या होते हैं? दे आर द जॉइनिंग वर्ड्स और दे आर नोन एज कंजंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल सलोनी एंड जहीदा आर गुड फ्रेंड्स. तो अब यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ हमारा? सलोनी एंड जहीदा. यहाँ पर एंड जो है इट इज यूज एज अ कंजंक्शन, क्योंकि उसने उन दोनों को ज्वाइन किया कि सलोनी और जहीदा जो है वो बहुत अच्छे दोस्त है. डू यू वॉन्ट टू गो टू आगरा बाय ट्रेन और बाय बस? अब वो कह रहे हैं कि क्या तुम ट्रेन से आगरा जाना चाहते हो या फिर बस से? तो यहाँ पर क्या यूज हुआ हमारा कंजंक्शन? यहाँ हमारा यूज हुआ और. वेरोनिका वॉन्ट गो टू द वेडिंग बट हर सिस्टर विल. अब यहाँ क्या यूज हो रहा है? बट यूज हो रहा है. बट कहते हैं वेरोनिका जो है शी विल गो टू द वेडिंग, शी विल नॉट गो टू द वेडिंग, पर उसकी जो बहन है वो शादी में जाएगी. जो पर है यानी कि बट, वो यहाँ पर हमारे लिए कनेक्टिंग है. ठीक है. आई कैन नॉट ईट एग्स बिकॉज आई एम एलर्जिक टू देम. कहता है कि मैं एग्स नहीं खा सकता क्योंकि मुझे उनसे एलर्जी हो जाती है. तो यहाँ पर जो बिकॉज है वो कनेक्ट कर रहे हैं दो बातों को, दो सेंटेंसेस को. ठीक है. वी नो बट एंड और एंड बिकॉज आर कंजंक्शंस. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो टू लर्न अबाउट सम मोर कंजंक्शंस. अब कहते हैं कि बट एंड और बिकॉज ये सब क्या है? ये हमारे जॉइनिंग वर्ड्स हैं, ये सब हमारे कंजंक्शंस हैं. ठीक है. और अब हम इनके बारे में और पढ़ेंगे नीचे वाले सेंटेंसेस में. आई कैन नॉट स्लीप अनलेस द विंडोज आर ओपन. अब दो सेंटेंसेस की आई कैन नॉट स्लीप, विंडोज आर ओपन, दोनों को ज्वाइन क्या कर रहे हैं? अनलेस, जब तक, है ना? तो अनलेस क्या हो गया? वो कंजंक्शन हो गया. इट्स टू मंथ्स सिंस आई हैव सीन अ प्ले. It's 2 months I have seen a play. अब इनको किसने ज्वाइन किया? Since ने. ठीक है. Although the car is small, it is comfortable. The car is small, it is comfortable. अब इसको कैसे ज्वाइन हुआ? दो से या although से. Carry your umbrella or you will get wet. कहता है कि अपना अम्ब्रेला लेके चलिए, अदरवाइज आप गीले हो जाएंगे. तो यहाँ पर कैरी योर अम्ब्रेला एंड यू विल गेट वेट. इनको किसने ज्वाइन किया? फटाफट बताइए. और दे, और इज अ कंजंक्शन हियर. फाइन. पुट ऑन योर शूज
बिफोर यू गो टू प्ले, पुट ऑन योर शूज, गो टू प्ले. इनको किसने ज्वाइन किया? अगेन विच कंजंक्शन? बिफोर. सो हैव यू नोटेड कि हमने कैसे सेंटेंसेस के बीच में और अनलेस, सिंस, बिफोर एंड ये यूज करके सेंटेंसेस कंप्लीट किए, ठीक है? और वो सेंटेंसेस इतने अच्छे सुनने में और फॉर्म होने में लगते हैं जब हम उसमें कंजंक्शन ऐड कर देते हैं. ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि हमारे लिए कंजंक्शंस क्या चीज है और ये हमारी हर जगह यूज होती है. चलिए हम एक्सरसाइज ए पे आ जाते हैं. एक्सरसाइज ए, प्लीज ओपन योर बुक्स एंड राइट डाउन एक्सरसाइज ए. अब फर्स्ट हम करेंगे. Says, underline the conjunctions in the following sentences. कह रहा है नीचे जो sentences दिए हैं इनमें आपने क्या करना है, इनमें आपने conjunctions को underline करना है. First sentence says, I gave Akriti a cold drink. मैं एक करके दिखा रही हूँ आपको, आप देखिए. Akriti a cold drink because she was feeling very hot. Because she was feeling very hot. Fine. अब आप देखिए ये सेंटेंस आपने जो लिखा है इसमें अब आप बताइए इस दो सेंटेंसेस हैं दो. आई गेव आकृति अ कोल्ड ड्रिंक, शी वॉज फीलिंग वेरी हॉट. इसको किसने ज्वाइन किया है? इसको ज्वाइन किया है बिकॉज ने. तो आप क्या करेंगे? बिकॉज के नीचे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है? समझ गए? तो आपको ऐसे ही सारे सेंटेंसेस करने हैं. चलिए हम आगे चलते हैं. सिडनी was standing outside though it was raining. कहते बाहर raining हो रही थी लेकिन फिर भी सिंजनी बाहर खड़ी थी. तो यहाँ पर इनको किसने join किया है? यहाँ join किया है दो ने. Second में आप लिखिए, क्या लिखेंगे? मां दो. इसको underline करेंगे, ठीक है? लिखना नहीं, sorry, underline करना हमने. दो को underline करेंगे. Shantanu turned on the gas एंड कुक्ड डिनर फॉर द फैमिली. शांतनु ने क्या किया? गैस ऑन की और खाना बनाया किसके लिए? फैमिली के लिए, है ना? तो इसको हम कैसे, इसमें कौन सी चीज अंडरलाइन करेंगे, कौन सा कंजंक्शन है? यहाँ पर कंजंक्शन है हमारा एंड. आप लिखेंगे एंड को अंडरलाइन करेंगे हम एंड. फोर्थ इज अजीज अहमद took up teaching when he was 40 years old. अजीज अहमद ने क्या किया? उन्होंने 40 years old के जब थे तब उन्होंने teaching ली. तो यहाँ पर जो हमारा conjunction है वो क्या है? When, जब, when. तुषार sat down as he was tired. तो यहाँ हमारा conjunction क्या आएगा? As. तुषार जो था वो बैठ गया जब वो टायर्ड था. तो यहाँ कंजंक्शन है एस. वी मस्ट लीव नाउ और वी विल मिस द ट्रेन. हम छोड़ यहाँ से चले जाते हैं जल्दी नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी. तो यहाँ क्या है हमारा कंजंक्शन? लिखिए, अंडरलाइन कीजिए और को अंडरलाइन कीजिए. सेवंथ इज आंट रेनीज फीट आर वेरी स्मॉल सो शी गेट्स हर शूज फ्रॉम द किड सेक्शन. तो यहाँ क्या है हमारा? सो को हम अंडरलाइन करेंगे सो, ठीक है? तो आप ऐसे अंडरलाइन करके इन वर्ड्स को एक्सरसाइज ए कंप्लीट कीजिए अपने असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प से. कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझना है वो आपके पास है, बिल्कुल पास बैठे हैं आपको समझाने के लिए. उनसे पूछने से डरना नहीं है. दे आर लाइक योर गुरुज, दे आर योर फ्रेंड्स, दे विल ओनली टीच यू, दे विल ओनली गाइड यू. सो
यू शुड आस्क देम, ओके। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज बी पे। आई विल रब दिस, आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, अंडरलाइन कर लीजिए इनको, ओके। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज बी पे। चलिए, सो लेट्स डू एक्सरसाइज बी। व्हाट डज इट सेज? इट सेज join these sentences with the help of the conjunctions given in brackets. Now what they have done, you know, the sentences diye hain hame, lekin wo join nahi hue hue hain, break hai unme, aur unko humne kisse join karna hai? Jo conjunctions inhone hame brackets mein diye hain, theek hai? Ab jo brackets mein diye hain wo hame sentences mein laga kar usko pura complete karna hai. First sentence is, we saw Minnie in the science lab. We saw Jasleen in the science lab. अब इसको हम कैसे लिखेंगे? Just look at here. We saw Minnie in the science lab. We saw Minnie in the science lab and और कौन सा कंजंक्शन इन्होंने दिया हुए ब्रैकेट्स में? एंड एंड जसलीन जसलीन question down. We saw Minnie and Jasleen. Sorry, and Jasleen. In the science. Because science lab हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे. So it says we saw Minnie and Jasleen in the science lab. तो हमने यहाँ पर जो conjunction इन्होंने brackets में दिए and वो हमने यूज कर लिया। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। माय फादर हैज गिवन अप स्मोकिंग, डॉक्टर एडवाइज हिम टू डू सो। यहाँ पर क्या कंजंक्शन दिया इन्होंने? एस। तो हमने अब इसमें क्या यूज करना है? एस। चलिए सेकंड वन इज माय फादर has given up, my father has given up smoking as the doctor advised him, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखे जो उन्होंने कंजंक्शन एस दिया था वो हमने इस सेंटेंस में यूज कर लिया कि मेरे फादर जो हैं उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी क्योंकि उनको जैसा डॉक्टर ने समझाया था एडवाइस दी थी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड, मिताली सीन्स वेल, he does not practice. Now the conjunction here is though. तो दो यूज करना है। मिताली सिंग्स वेल, मिताली दो सिंग्स वेल दो शी मिताली सिंग्स वेल दो शी डज नॉट प्रैक्टिस। जबकि वो प्रैक्टिस भी नहीं करती फिर भी वो अच्छा गाती है। नाउ द फोर्थ वन इज
I can offer you tea. Fourth one says, I can offer you tea. I can offer you coffee. Okay. So, क्या दिया यहाँ conjunction? Or. I can offer you tea or coffee. I can offer you tea or coffee. बार बार नहीं लिखेंगे हम, ठीक है? तो इसमें उसने join करने के लिए और दिया था, option है. तो उसने जैसे दिया था, I can offer you tea, I can offer you coffee. तो यहाँ हम इसको क्या कर देंगे, और लगा के कितना ब्यूटीफाई हो गया, आई कैन ऑफर यू टी और कॉफी. ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज, इधर हमारे कंजंक्शन दिया है बट यूज कर रहे हैं. सो फिफ्थ वन सेज, इट इज वेरी हॉट हेयर इन जून, इट रेन्स इन जुलाई. इट इज वेरी हॉट हेयर इन जून, इट इज वेरी hot here in June. It is very hot here in June. But use करना है यहाँ पर, but it rains in July. Fine. So, यहाँ हमने क्या यूज किया, यहाँ पर और था, यहाँ यूज करना था हमने बट, ठीक है. इट इज वेरी हॉट हेयर इन जून बट इट रेन्स इन जुलाई. यहाँ पर बहुत गर्मी होती है जून में लेकिन बारिश होती है जुलाई में, तो बट लगा दिया. तो आप ये सेंटेंसेस कॉपी कर लीजिए, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, ठीक है. और अब इसके आगे के हम करते हैं, मेरे को ये रब करने होंगे ऊपर के. Next one is sixth one. Sonali washed her face. She went to bed. Now the conjunction here is in the brackets before. So sixth one is Sonali washed her face. Before she went to bed. ठीक है, क्या बन गया ये कि सोनाली ने अपना मुंह धोया बेड में जाने से पहले. ठीक है, अब अगला करते हैं. संजीव लाइक्स टू वॉच मूवीज, हिज सिस्टर लाइक्स टू रीड बुक्स. जो संजीव है उसे तो मूवीज देखना पसंद है लेकिन उसकी सिस्टर को बुक्स देखना. तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन क्या दिया है हमें, बट दिया है. ठीक है, सो सेवंथ वन इज संजीव लाइक्स टू वॉच मूवीज but his sister likes to read books. Fine. ठीक है, संजीव को मूवीज देखना पसंद है लेकिन उसकी सिस्टर को बुक्स पढ़ना पसंद है. और इससे हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई. ठीक है, तो अब आपने ये बड़े ध्यान से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, इसे समझिए और खुद करने की कोशिश कीजिए और कहीं पर मिस्टेक नहीं करनी. कुछ नहीं समझ आता मैं बार बार कहती हूँ, आप अपनी असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प लीजिए और अच्छे से काम कीजिए. ठीक, एंड यू शुड ऑलवेज स्माइल व्हाइल डूइंग योर वर्क एंड यू शुड एंजॉय. ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यू नो टॉपिक
conjunctions, you love doing it, it's very easy, isn't it? Now we will move to exercise C. Oh, this one is the interesting one. Okay, it is match the following. Match the two columns. Okay, they have given you two columns and you have to match them. Radhika is sad. अब इसको हम किससे match करेंगे, ठीक है? वो बताना है हमें. तो हम इसको match करेंगे. लिखिए. First one. Radhika. Radhika is sad. Okay, Radhika उदास है. क्यों उदास है? Because Radhika is sad. Because आएगा. Because okay. इसको आप match करेंगे first को B से. First को किससे match करना है? ऐसे लिखती हूँ. फिर आपको आसानी हो जाएगी. First वाले को match करेंगे हम B से. Okay. ठीक है. This will be better. Radhika is sad. Because her pet dog is ill. Because her pet dog. Her pet dog is ill. Okay. ठीक है. First को हम कैसे match करेंगे? B से. Now the second one says Aman. Aman does not open the door for anyone. Aman does not open the door for anyone. जो अमन है वो किसी के लिए डोर नहीं खोलता. Aman does not open door for anyone. ओके नाउ इसका आएगा व्हेन ही इज अलोन एट होम. जब वो घर पे अकेला होता है. व्हेन ही इज अलोन एट होम. फाइन. इसको हम किससे मैच कर रहे हैं? इसको टू को करेंगे ए से मैच. ओके टू को करेंगे ए से मैच. अब हम आ जाते हैं थर्ड पे. थर्ड सेज The weather was overcast. The weather was overcast. The weather was overcast. Okay. अब इसको किससे मैच करेंगे भाई? Oh wow! I got it. And it. Started raining. भैया बारिश हो गई थी है ना, तो अब it started raining. इसका है थर्ड का एच से मैच करना है. ओके नाउ लेट्स टू द फोर्थ वन. है ना इंटरेस्टिंग. आई एम अनवेल. मैं ठीक नहीं हूं. मैं भी ठीक नहीं हूं. I am unwell. Unwell. Okay. I am unwell. इसको करेंगे हम. Oh, ये तो सबका दिल करता है कि काश ऐसा हो, है ना? So, I am not going to school. मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना. कोई भी नहीं जाना चाहता है ना, पर जाना चाहिए हमें, है ना? So fourth को आप match करेंगे B से. Fine. तो आप ये four question जो है ये note कर लीजिए. First को D से, second को A से, third को H से, fourth को six से. Sorry, fourth को B से. Sorry, I thought six. B. Okay. चलिए आगे चलते हैं हम. स्कूल जाना नहीं है. हर किसी को लगता है कि आज बारिश हो जाए, आज कोई वजह से स्कूल बंद हो जाए, छुट्टी हो जाए, है ना? होता है ना ऐसे सबके साथ. हो गए जब हम छोटे थे हमारा भी दिल करता था कि ऐसा हो. अच्छा चलिए हमने करा था ये फोर्थ तक. अब हम फिफ्थ पे आ जाते हैं. फिफ्थ फाइव
फिफ्थ क्या कहता है, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वॉटर, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वॉटर, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वॉटर. अब इसको किससे मैच करना है, बट यू कांट मेक इट ड्रिंक. ओके, फिफ्थ को मैच करिए सी से, बट यू कांट मेक इट ड्रिंक. फाइन, ये लिख लीजिए आप. नाउ द सिक्स्थ वन सेज, शुड आई कॉल हिम, क्या मैं उसे बुलाऊं, शुड आई कॉल हिम, शुड आई कॉल हिम, ये किससे मैच होगा. ओके, और विल यू कॉल हिम योरसेल्फ, और विल यू कॉल हिम योरसेल्फ. ओके, तो सिक्स को किससे मैच करना है, हमने ई से, यहां लिखिए ई. ओके, अब सेवेंथ पे आ जाइए. सेवेंथ कहता है आई कैन कम लेटर, I can come later. I can come later. इसको किससे मैच करें? If you are busy today, okay. If you are busy today, tak 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 tak. So seventh को मैच कीजिए F से. Now the last one is eighth. Eighth क्या कहता है? Somebody rang the bell. Somebody rang the bell. Bell. किसी ने bell बजाई. और फिर क्या हुआ? While we were having dinner. Last तो जो बचा है वो ही होगा. While we were having dinner. तो eighth किससे match करेंगे हम? जी से. और हमारी एक्सरसाइज हो गई फिनिश. अभी हमें कंजंक्शंस की और भी एक्सरसाइज करनी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप इसे समझिए, इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करिए, और फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे 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 चलेंगे. और एक्सरसाइजेस भी हैं, वो खत्म कर लिए है ना. चलिए, ओके, बाय.